हाँ जी, तो शोल्डर मारे आज, शोल्डर मारूंगा आज। अब शोल्डर के हैं तीन हिस्से, ये तो सबको पता। क्या तीन हिस्से? फ्रंट डेल्ट्स, रियर डेल्ट्स और साइड डेल्ट्स। ठीक है, एक हिस्सा है जो सब नेगलेक्ट करते हैं, वो है ट्रैप्स। अब ट्रैप्स तुम्हारे नेक से शुरू है, साइड में शोल्डर तक है, पूरे ऐसे करके ब्रॉड, और नीचे बैक तक है, मिड ऑफ द बैक तक। बीच वाला हिस्सा होता है ना, रोइंग करते हुए आता है जब स्क्वीज करते हैं पीछे, उस टाइम तो पीछे आवे। ठीक है, अभी ट्रैप्स नेगलेक्टेड है। एक और चीज नेगलेक्टेड है, देखो हाथनवा बन रही है राखी, कल राखी ही। राखी के त्योहार को भाई बहुत फॉर्मल बना दिया लोगों ने। अरे ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो कॉरपोरेट चला रहे हैं ना, कॉरपोरेट वर्क सारा, कॉरपोरेट एनवायरमेंट। ये जितनी भी कंपनीज है अपनी, इन्होंने फॉर्मल बना दिया भाई सब कुछ इस अच्छे पवित्र रिश्ते को ना। पहले का टाइम था, बुआएं बहनें दो दो दिन पहले आ जावे ही घरन पर। आज का क्या टाइम है भाई? जरा से देर गुआ में बुआ चली जा, बहनें जरा से देर गुआ में चली जा, बहुत सी आते भी नहीं, बेचारी वीडियो कॉल पे लगी रहे। क्यों भाई? जॉब कहीं और है, घर कहीं और, जॉब इतनी दूर है सबकी। ये 2 दिन जिले विशेष है बस, पूरे देश में बस इनमें डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट के नाम पे क्या? कोरा वेस्टर्नाइजेशन, कोरा कॉरपोरेट वर्क कल्चर, जिसमें कि आप आदमी को मशीन बना के रख देते हो। ठीक है, कोरा प्रदूषण, जो हरा भरा एरिया होता है इन जिले विशेषों का विचारों का, जो खेत खलिहान होते हैं उन्हें भी प्रदूषित कर देते हो आप अपनी कंपनीज खड़ी करके। अपनी कंपनी से सारा वेस्ट वहीं निकालते हो। आपके इस प्रदूषण के चलते जो आम जनता होती है वहां की, उन्हें भी, जो तुच पुच लोग होते हैं गंदे, उन्हें भी मौका मिल जाता है प्रदूषण फैलाने का, वो भी फिर इन खेत खलिहानों को ही देखते हैं, इन हरे भरे जंगलों को ही देखते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। अपार्टमेंट्स बन जाते हैं यहाँ पे, उनका डंपिंग यार्ड ही है, खेत बन जाते हैं। और ये मतलब ऐसा है, इन जिले विशेष की जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, नाम ले देता हूं, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया जितना भी है, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, बस इन, और इनके लोगों को ही नहीं मिलती नौकरी। नौकरी किसे देती हैं कंपनियां? 500-600 किलोमीटर दूर से जो कैंडिडेट आया बेचारा, उसे नौकरी दे देंगी? लोकल वाले बेचारे काम आ गए, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। मेरे साथ खुद ऐसी हुआ भाई, 2 दिन कंपनीज ने यही कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप तो जी लोकल के हो। तो यार ये क्या सिस्टम है? ये कोई बात ठीक है, जायज है? ऐसा डेवलपमेंट भी किस काम का? सारे में प्रदूषण फैला देवे, जो भ्रष्टाचार कर दे, ठीक है, आम जनता को, अपने एम्प्लॉइज को राहत ना दे काम पे, उन्हें छुट्टी ना दे, उनके रिश्ते ऐसे फॉर्मल बना के रखते हैं, उनकी मजबूरी को मजबूरी ना समझे, ऐसी तरक्की किस काम की भाई? तरक्की ऐसी लाओ कि भाई सोचना ना पड़े आपको अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर करते हुए, इतना तो एम्प्लॉयज भी खुश होकर काम करेंगे। भाई दो चीज आप उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करोगे, वो भी तो भाई कहीं बताएंगे हम तो उस कंपनी में काम करते हैं, पर ये बिगाड़ा हुआ भी ना सारा माहौल अपने एम्प्लॉयज का ही है। कहीं पे 500-600 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे ना, उनमें से बस स्टैंड एक दो ही लेता, सारे नहीं ले पाते, सारे दबके रह जाते हैं, फांसी का फंदा लगा के बस सहते हैं सब कुछ, उठा ही नहीं पाते आवाज। आपकी आवाज दब जाती है, जो एक बंदा आवाज उठाता भी है वो चलता रहता सिस्टम, फिर ऐसे उनका ग्राफ नेगेटिविटी का ऐसे बढ़ता रहता, वो बस आपको मशीन बना के रखते हैं। आपके घोड़ा देखा, घोड़ा बारात वाला, उसकी आंखों पे ऐसे आंखें बंद रहती हैं, बस आपकी आंखें भी ऐसी बंद रखते हैं। ये जितने भी कॉरपोरेट वर्क कल्चर चला रहे हैं ना कंपनीज है, जितनी भी ये बाहर की, अरे कंपनी में सीनियर है जितने भी बिठाए हुए, इनके जिनके नीचे किसी गांव का लड़का बेचारा, कोई फौजी का बेटा है बेचारा, वो दब के रह जाते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, ऐसी चलते हैं वो सारा रास्ता, बस किसी ने पीछे से लगाम खींची और चलते जा रहे हैं बस। तो यार ऐसा डेवलपमेंट भी,
किस काम का? हमारे भारत देश में, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, केवल भारत में ही नहीं, जो खेत खलिहान भी तबाह करते हैं, लोग आम जिंदगी भी तबाह करते हैं, ऐसा डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन किस काम का? भाई हम कोई यूएसए में तो रह नहीं रहे, ये तो वो देश है जहां पे बुआ भी अपने भाई के बच्चों को भी राखी बांधेगी, बच्चों के बच्चों को भी राखी बांधेगी, भाई के पोतों को भी। ये तो वो देश है क्या? उन वेस्टर्न देशों में है सभी ये चीजें? बड़ी नेगेटिविटी फील होती है सब देख के ना। मैं 15 अगस्त को फ्यूलिंग कराने गया था अपनी गाड़ी में, तो पेट्रोल पंप चालू था। चलो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका चलना बहुत जरूरी है, जो 365x24x7 चलते रहते हैं, अगर वो चल गए तो देश काम करना बंद कर देगा। पेट्रोल पंप उनमें से एक है। वहां एक जो फिलिंग वाले भैया थे, उन्हें देख के काफी नेगेटिव फील हुआ, भाई इनकी बेचारों की आज भी ड्यूटी लग रही है। तो एक वो पेनफुल साइलेंस जो होती है ना, वो लगा के रह जाते हैं सब, जो महसूस जिसपे बीत रही होती है वो भी, और जो देख के महसूस करता है, जैसे मैंने देखा, मैं भी। और जब ये देखता हूं ना भाई, बहनें घर आती हैं तुरंत चली जाती हैं, तुरंत फिर मामा के भगते हैं, तुरंत ही आ जाते हैं, बड़ा मतलब ये फॉर्मेलिटी जो आ गई है ना रिश्तों में, बड़ा बेकार सिस्टम चल गया ये। इस चीज को भैया ठीक कर लो समय रहते, अपने देश को ना मशीन मत बनने दो, किसी और देश के नीचे की मशीन। जैसे अमेरिका ने देश, अपने छोटे छोटे देश आसपास के, मैक्सिको, इटली, जो भी हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इन्हें अपनी मशीन बना रखा ना, अपने नीचे की नौकर बना रखा अमेरिका ने। आप मत बन जाना, अपने देश को मत बना लेना भाई। लोग प्रोत्साहित हों काम करने के लिए, ये नहीं कि मरे हुए मन से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? तो ये दूरी खत्म हो सब रिश्तों की, थोड़ा पॉजिटिविटी आए, अपनी कल्चरल चीजें हैं ना, अपनी जितनी भी माँ बोली, अपनी प्रकृति, अपना वातावरण सब बचा रहे। ये सब आप ही कर सकते हो, आप और हम मिलके ही कर सकते हैं, अगर स्टैंड लेंगे ना सब मुमकिन है। स्टैंड लेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बस दब के रह जाएंगे, देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिर याद करेंगे, अरे यार पहले तो ऐसा होता था, अब क्या ही रह गया, सब बिगड़ गया। समय की कदर करो, ठीक है? ये फॉर्मेलिटी लाना बंद करो, बहनें आ रही हैं घर पे, या आप बहनों के यहाँ जा रहे हो, या भाई बहन अगर घर में भी हैं, एक घर में, तो भैया खुल के एक दूसरे से प्यार से प्रेम में रहो। और जो रिश्ता घर में कायम था ना, ऐसा रखो कि वो रिश्ता आपके पोते पोती होने तक कायम रहे, कि जो 10 साल के भाई बहन है ना, वो 100 साल के होके भी उस 10 साल जितना ही प्यार करेंगे दूसरे को, भाई 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 बहन। एक गाना है राजवीर जावंडा भाई का, सिंगर का, जम्मे नाल दे, जम्मे नाल दे, सुनना एक बार, नाकों से पानी आ गया सबकी, देख के वीडियोस की। बाकी दूसरी बात, दूसरी क्या, अब तो हो ही गई बात, हो चल पड़ी अब ट्रैप्स की। भाई ट्रैप्स का सिस्टम ये है, देखो ट्रैप्स ट्रेन नहीं करोगे ना, ट्रैप्स कोई करता ही नहीं ट्रेन, एक आधे बंदा कर लेता, वो भी ढंग से नहीं करता, जल्दी जल्दी हो उसमें एक गुद्दी नूनू चले भाई, ये नहीं करना, देखो झटका आ जाएगा। और ट्रैप्स जितने अच्छे रहेंगे ना, उतना आजकल जितने भी ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो रही है ना, गर्दन में, गर्दन आगे झुक जाती है। देखो ये पॉइंट आ गया ना भाई, कॉरपोरेट कल्चर वाला, इस कॉरपोरेट कल्चर ने आपको फिजिकली भी वीक कर दिया, आपको कल्चरली भी वीक कर दिया, ठीक है? तो ये जो मतलब आ जाती है ना दिक्कत, ये ऐसे वाली, खाना भी नहीं खाने लग रहे हैं, गाड़ी भी नहीं चला रहे हैं, बैठे भी हुई है, किसे मिल भी ऐसे रहे हैं, बुद्धि आ करके, सबके ही प्रॉब्लम है। साइड में से देखो ना पीछे, लेडीज के खासकर, जेंट्स के भी, ये पीछे से कुबड़ सब पर उठ जाता ऐसे, क्यों भाई? वीक ट्रैप्स है, वीक नेक की फाउंडेशन है पूरी, ये पूरा ना फाउंडेशन मसल है ट्रैप्स का, पकड़ के रखा है इसने गर्दन को, बीच में से बैक को, शोल्डर्स के पीछे से, इस पूरी बेल्ट ने ऐसे पकड़ रखा। तो ट्रेन करने का तरीका, अगर इस पे ट्रैप्स पे मैं पूरा बताने आओ ना, पूरा एक वीडियो सेपरेट बन जाएगा, कई वीडियो बन जाएंगे,
अपने परफॉर्मेंस एथलीट्स जितने भी होते हैं, बॉक्सर, रेसलर्स, जितने भी थ्रोइंग स्पोर्ट्स वाले हैं, जेवलिन थ्रोअर, डिस्कस थ्रोअर, सब मार्शल आर्ट्स वाले काफी ट्रेन करते हैं अपने ट्रैप्स को, काफी कई सारी एक्सरसाइज करते हैं। गोल्ड वर्क देखा आपने? गोल्ड वर्क वो पूरा ना, वो हेड बेल्ट आती है एक, ऐसे अटैचमेंट होती है, जैसे अपनी मशीन्स के अटैचमेंट होते हैं, रोप अटैचमेंट होती है ट्राइसेप के लिए, बाइसेप के लिए वो बार होती है, वैसे एक पूरी हेड की भी आती है बेल्ट, वो लग जाती है उसमें वेट्स वाली केबल में, और उसके साथ वो पूरी नेक की एक्सरसाइज होती है, ऐसे ऐसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ऐसे साइडवेज वाली, वो भी ना ट्रैप्स का काफी अच्छा डेवलपमेंट करती है पूरे नेक मसल का। ठीक है, बाकी ट्रैप्स भाई कहने का मतलब ये अच्छे से ट्रेन होने चाहिए, नेगलेक्टेड मसाला काफी, और रियर डेल्ट्स भी। ठीक है, अगर ट्रैप्स अच्छे से ट्रेन होंगे ना, ये सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम नहीं होंगी बिल्कुल भी, आज की हो रही है ना आजकल जो लोगों को, एक्सटेंसिव वर्क कल्चर की वजह से। ठीक है, बाकी भाई बात यही है, थोड़ा सुधार कर लीजिए, सबके हाथ में है, खास करिए जितने भी अपने युवा हैं ना, जो रोजगार वाली भी, और जो रोजगार की तरफ आप बढ़ेंगे, जिनकी जॉब वगैरह आप लगेंगी या पढ़ाई चल रही है, भाई सुधार आप ही ला सकते हैं। सुधार ऐसा लाओ कि 2025 में अगले साल की रक्षाबंधन जो हो, या कोई भी त्योहार हो, अब अगला त्योहार जन्माष्टमी आ रहा है, जो भी हो अभी जस्ट इसी साल, एकदम टू बी इंजॉय टू इट्स फुलेस्ट लिमिट। ठीक है, एकदम अच्छे से एंजॉय करो पूरी फैमिली के साथ, जैसे आज से 50 साल पहले लोग करते थे, अपने दादा दादी, अपने माता पिता कहते हुए सुना होंगे, भाई पहले वाली बात नहीं रही त्योहारों में, क्यों नहीं रही भाई, बिजी इतने रहने लग गए सब। तो भाई ऐसी बिजनेस, ऐसी तरक्की किसी काम की नहीं है जो अपनी रूट्स से सबको पीछे खींच ले वे। ठीक है भैया, ये समाज ने बचा लो, कुछ कर लो, आपके और हमारे हाथ में ही है, तो ये प्रण ले लो आज से, बाकी शोल्डर का वर्कआउट देखो, फर्स्ट सेट, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेट मिलिट्री ग्रेस शोल्डर, सेकंड सेट शोल्डर प्रेस का, लास्ट सेट ऑफ द शोल्डर प्रेस 22:30 के साथ, जय श्री राम।
सेकंड एक्सरसाइज साइड डेड रेजेस। दूसरा सेट थर्ड एक्सरसाइज अपनी फेस पुल्स रोप्स के साथ। अब इसमें भी ना हैवी वेट लगाना, लाइट वेट नहीं, और एल्बो से पुल करना। ये करते हुए भी ध्यान रखना रफ्तार का, स्पीड हल्की रहनी चाहिए, टाइम अंडर टेंशन पूरा रहना चाहिए।
आइसोलेशन एक्सरसाइज, इसलिए वेट भी उतना ही, जिस पर 15 से 20 रैप आ जाए, 12 आ जाए, दुनिया इस पर डांस कर रहा है, हैवी वेट ला गई हो। नो गलत है, इंजरी हो जाएगी। सीट ठीक है ना? सीट सीट हल्का सा सेकंड लास्ट एक्सरसाइज बारबेल श्रग्स। यस सेकंड सेट लास्ट सेट शरगस का, श्री राम सेम वेट है, सेम वेट। श्री राम लास्ट एक्सरसाइज डंबल श्रग्स।
श्री राम।